हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फेशियल शेयर करने जा रही हूँ। ईद आ रही है और ईद के लिए हर कोई चाहता है कि कौन सा ऐसा फेशियल यूज़ करें जिसका रिजल्ट भी पॉजिटिव हो एंड इसके अलावा आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आए। सो आज जो आपके साथ मैं फेशियल शेयर करने जा रही हूँ डर्मा शाइन का है। फेशियल के साथ साथ आपके साथ मैं ब्लीच भी शेयर करूँगी, बहुत ही इफेक्टिव ब्लीच है। इस ब्लीच में मैं पहले भी रिव्यू दे चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसलिए वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसके अलावा फेशियल मसाज किस तरह से करते हैं, फेशियल पॉइंट क्या होते हैं, रिलैक्स पॉइंट क्या होते हैं, तो आपके साथ फुल वीडियो शेयर करूंगी। सो डर्मा शाइन फेशियल का रिजल्ट किस तरह का होता है आपके साथ शेयर करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डर्मा शाइन जो ब्लीच है बहुत ही इफेक्टिव होती है, आपकी स्किन के लिए ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी क्लाइंट का फेस देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। डर्मा शाइन की ब्लीच को यूज़ करके क्या आपके फेशियल हेयर गोल्डन होते हैं या नहीं, तो आपके साथ मैं आज वीडियो में शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं इनके फेस पे जो हेयर हैं ब्लैक कलर के हैं एंड कवर होते हैं या नहीं, तो आप ये पहले देख सकते हैं। इनके फेस के दोनों साइड पे आप देख सकते हैं इनके जो फेस पे हेयर हैं ब्लैक कलर के हैं, छोटे हेयर भी हैं, बिग हेयर भी है, और आप देख सकते हैं जूम करके मैं आपको शो करवा रही हूँ। सो फेशियल स्टार्ट करते हैं। फेशियल में सबसे पहले मैं ब्लीच कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो ब्लीच है डर्मा शाइन की है, काफ़ी इफेक्टिव होती है, ऑल टाइप स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंटेनर है ब्लीच क्रीम का कंटेनर है, यानी कि इसे डेवलपर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो प्रोटेक्टर दिया हुआ होता है, इस तरह से ओपन करते हैं यहाँ से। सो काफ़ी अच्छे से इसका लिड होता है, पहले भी मैं वीडियो इस पर बना चुकी हूँ। आप ये देख सकते हैं मैं 1 स्पून इसका यूज़ कर रही हूँ। आप स्पून से भी ले सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप यूज़ करें। एंड इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो एक कंटेनर के साथ साथ 2 इस तरह की बॉटल दी हुई होती है जिसमें ब्लीच पाउडर होता है। सो ये जो ब्लीच पाउडर है इसे लाइटिंग ब्लीच एक्टिवेटर कहते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही लाइट आपके हेयर को कर देता है। आप इसको ऑल टाइप स्किन पर यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो फ्रेगनेंस होती है काफ़ी अच्छी सी होती है, यानी कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है जब आप कोई से भी ब्लीच अप्लाई करते हैं तो इतनी हार्ड स्मेल होती है इसकी, अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन पे चुभती है। बट ये जो ब्लीच है बहुत ही इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। एंड इसके अलावा जब आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो बिल्कुल भी आपकी स्किन पर इचिंग वगैरह नहीं होती, कूलिंग इफेक्ट आता है। 100 में से 70% ऐसी होती है जिसके फेस पर कूलिंग इफेक्ट आता है, 30% ऐसी होंगी जिनको थोड़ी बहुत इचिंग वगैरह होती है। एंड इसके अलावा फ्रेगनेंस की बात की जाए, फ्रेगनेंस भी अच्छी होती है, इतनी बैड नहीं होती। सो ब्लीच पाउडर एंड एक्टिवेटर की जो क्वांटिटी है मैंने दोनों की सेम ली है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लेंड करना होता है। अगर आप फेस के साथ साथ हैंड पे भी लगाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस ब्लीच को मैं डायरेक्टली अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको रिजल्ट पता चल सके। अगर मैं सूथिंग लोशन वगैरह लगा लेती हूँ तो फिर इतनी इचिंग वगैरह नहीं होगी, फिर रिजल्ट भी पता नहीं चल सकेगा। तो इस तरह से अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको इस पर रिजल्ट ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो ब्लीच है काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है एंड अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। आपके जो फेशियल हेयर है वो भी अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं एंड फेस पे इचिंग वगैरह भी नहीं होती। सो ब्लीच की एप्लीकेशन जब भी करते हैं तो पहले एक टेस्ट कर लिया करें अपनी स्किन पे। स्किन पे अगर टेस्ट के बाद आपको इचिंग वगैरह होती है तो फिर स्किप कर दिया करें, अगर आपको इचिंग वगैरह थोड़ी लिटिल बिट होती है तो आप फिर बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड की जब आप ब्लीच अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो 5 मिनट बाद आपको दोबारा से इस तरह से रीअप्लीकेशन करना होता है ताकि आपका जो प्रोसेस है वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। एंड इसके अलावा ब्लीच की एप्लीकेशन करने के बाद आप 12 मिनट बाद भी रिमूव कर सकते हैं या 15 मिनट बाद भी रिमूव कर सकते हैं, या आपकी स्किन पर डिपेंड करता है। अगर ब्लीच प्रोसेस जल्दी हो जाता है तो 12 मिनट में रिमूव कर दें, अगर जल्दी नहीं होता तो 15 मिनट में भी आप रिमूव कर सकते हैं ब्लीच को। एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी ब्लीच 10 मिनट में भी हो जाती है, यानी कि इसका कोई टाइमिंग नहीं होती कि आपको लाजमी ही 15 मिनट लगाना है। फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप है आप देख सकते हैं डर्मा शाइन का फेस वॉश आपको यूज़ करना है। ये जो फेस वॉश है काफ़ी इफेक्टिव होता है, ऑल टाइप स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राइट करता है आपकी स्किन को। सो ब्लीच मैंने इनकी रिमूव कर दी है और आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखा रही हूँ, जो इनके फेशियल हेयर थे अच्छी तरह से प्रॉपर कवर हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं, यानी कि अगर आपके फेस पे गोल्डन हेयर है तो अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। सो फेस वॉश लगाते हुए क्लिप शूट ना हो सका तो मैं आपको इस तरह से एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं फुल जो किस तरह से स्टेप्स फॉलो करना है आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो फेस वॉश होता है इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है पोमेग्रेनेट होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा फ्रेश ग्लो आता है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन पे डेड सेल्स वगैरह है तो वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी इफेक्टिव फेस वॉश है। अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं।
एंड सेकेंड स्टेप जो है क्लेंजर यूज़ करना है। आप देख सकते हैं ये जो क्लेंजर है इस टाइप का होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है आपके स्किन के लिए। इसको भी ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, फेस पे एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद फिंगर की हेल्प से इस तरह से आपको मसाज देना है। यानी कि आप जब मसाज करते हैं, कोई सी भी क्रीम यूज़ करते हैं, मसाज क्रीम यूज़ करें या स्क्रब यूज़ करें या फिर शाइनर यूज़ करें या क्लेंजर, इस तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सो मसाज के जो स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे फिंगर की हेल्प से इस तरह से हमें आइस के ऊपर करना होता है। इस तरह से आप आइस पे राउंड मसाज करेंगे। आप सर्कुलर मसाज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मसाज भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर, इस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट देना होता है, यानी कि प्रेस करना होता है इस तरह से इनर कॉर्नर पे, फिर आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, इस तरह से आपको प्रेस करना होता है, थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट देना होता है। एंड इसके अलावा फिंगर का आप यूज़ देख सकते हैं, मैं सेकंड फिंगर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से जब आप प्रेशर पॉइंट देते हैं आइज़ में, तो इस तरह से आइज़ को भी रिलीज़ मिलता है। एंड इसके अलावा आपके माइंड में टेंशन वगैरह होती है तो वो भी रिलीज़ हो जाती है, आपको काफ़ी अच्छा सा रिलैक्स फील होता है। एंड इसके अलावा आईब्रो पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको प्रेस करना होता है, थोड़ा सा दबा के आपको स्टार्ट से लेके बिल्कुल कॉर्नर तक ले जाना होता है अपनी फिंगर को। ये जो मसाज स्टेप्स है आप इसको डिफरेंट फेशियल पे यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अलावा क्लिंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। एंड उसके बाद नोज़ के ऊपर इस तरह से आपको मसाज देना है, यानी कि नीचे से लेके आपको ऊपर की तरफ अपनी फिंगर को ले जाना होता है। आपका जो प्रेशर है वो लाइट रखना है। एंड इसके अलावा आप अपना फास्ट हाथ चला सकते हैं। एंड इसके अलावा थंब की हेल्प से इस तरह से नोज़ पे प्रेशर देना होता है, थोड़ा सा मसाज करना होता है कि नोज़ पे जो ब्लैकहेड्स है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं नेक पे इस तरह से मसाज दे रही हूँ। सो बेस्ट फेशियल मसाज स्टेप्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं आपके साथ वन बाई वन शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से फिंगर की हेल्प से भी करना होता है। एंड इसके अलावा दोनों चिक्स के साइड पे इस तरह से आपको मसाज देना होता है, यानी कि आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन अपनी फिंगर की करनी होती है ताकि स्किन आपकी अगर लूज़ भी हो रही हो तो टाइट हो जाए। आप किसी भी फेशियल पे ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। जूम करके आपको मैं शो करवा देती हूँ। आप देख सकते हैं फिंगर को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है आपको। एंड इसके अलावा फिंगर को इस तरह से आप ओपन करेंगे, उसके बाद अपर लिप से लेकर लोअर लिप पर इस तरह से मसाज करना होता है ताकि आपकी अपर लिप्स के आसपास से जो एरिया होता है वो ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। जब आप फेशियल करते ही रहते हैं तो आपका हाथ काफ़ी फास्टली चलता है। इसके अलावा जो स्टेप्स होते हैं उसको भी आप इजिली फॉलो कर लेते हैं। सो फेशियल स्टेप्स में जब आप मसाज करते हैं तो इस तरह से आपको मसाज स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, लाइन से आपको वन बाय वन करना होता है। या ज़रूरी नहीं है कि आप पहले नेक पे करें या फेस पे करें। एंड टू फिंगर की हेल्प से जो एरिया पे इस तरह से मसाज देना है ताकि आपकी डबल चिन का इशू है तो वो भी कंट्रोल हो जाए, आपकी स्किन टाइट हो और फिक्स हो। इस तरह से आप जब मसाज स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, एक्ने का इशू नहीं होता, आपकी स्किन टाइट होती है, ब्राइट होती है और काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आता है। एंड इसके अलावा चिक्स पे इस तरह से आपको राउंड मसाज करना होता है, यानी कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हैं। अगर आप अपने कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड उसके बाद डर्मा शाइन का स्क्रब यूज़ करेंगे। ये जो स्क्रब है बहुत ही इफेक्टिव होता है, आप इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्लिनजिंग के लिए ज़्यादातर लेडीज़ यूज़ करती हैं फेस क्लीन करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी वगैरह आप देख सकते हैं, मैं पहले भी इसकी वीडियो दे चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसलिए वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। सो स्क्रब की क्वांटिटी इतनी ही लेंगे जितनी फेस को नीड है। ये जो स्क्रब होता है एप्रिकॉट स्क्रब होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है आपकी स्किन पे डल सेल्स वगैरह उसको रिमूव करने के लिए। एंड इसके अलावा फेस पे अगर ब्लैक हेड्स वाइटर हो रहे हैं तो उसको भी अच्छी तरह से ये लूज़ करके रिमूव कर देता है। बट किस तरह से रिमूव करना है आपको नोज स्किन की हेल्प से रिमूव करना होता है, अगर स्मॉल होते हैं तो वो नॉर्मल ही रिमूव हो जाते हैं। स्क्रब को जब फेस पे लगाते हैं तो 4 to 5 मिनट मसाज देंगे, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें या स्पंज की हेल्प से रिमूव कर लें। स्क्रब को रिमूव करने के बाद मसाज क्रीम यूज़ करेंगे। मसाज क्रीम आप अपने फेस पे लगाएंगे, मसाज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा डर्टी हो रही है तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, अगर इतनी डर्टी नहीं है तो 5 to 7 मिनट भी कर सकते हैं। जब आप मसाज क्रीम लगाते हैं तो आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, यानी कि स्टार्ट में मैंने जो स्टेप्स बताए उससे लेके बिल्कुल एंड तक के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना होता है। बैक मसाज भी इसमें देना होता है। बैक मसाज के लिए आप दे सकते हैं फिंगर की हेल्प से इस तरह से मसाज करना होता है। मसाज क्रीम फिंगर की हेल्प से लेंगे और इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे, फिर इस तरह से आपको प्रेस करना होता है थंब की हेल्प से। एंड इसके अलावा नेक के टू साइड पे इस तरह से फिंगर से प्रेस करना होता है थोड़ा सा। मसाज क्रीम लगाने के बाद इस तरह से थंब की हेल्प से आपको प्रेशर देना होता है, थोड़ा सा प्रेशर दे के आपको मसाज करना होता है ताकि रिलैक्सेशन हो बॉडी पर। 50% लेडीज़ ऐसी होती है जो गाउन पहन के फेशियल करवाती है, 50% ऐसी होती है जो अवॉइड करती हैं कि गाउन उन्हें नहीं पहना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्लाइंट अगर पहनता है तो आप पहनाएं।
क्योंकि जब गाउन पहना के फेशियल करते हैं तो स्टेप्स इजली आप कर पाते हैं, एंड इसके अलावा आपका जो हाथ है वो अच्छी तरह से चल सकता है। नेक का जो साइज़ होता है काफ़ी हाई होता है। थंब को राउंड घुमाने के बाद इस तरह से आपको थंब की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से प्रेशर देना होता है ताकि रिलैक्सेशन हो बॉडी में, क्योंकि बैक साइड पे लेडीज़ के ज़्यादा पेन होता है। अगर पेन ख़त्म हो जाता है तो रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स देते हैं क्लाइंट को तो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फेशियल का रिजल्ट भी काफ़ी बेस्ट आता है, क्योंकि जब बॉडी रिलैक्स होगी तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। आपने ज़्यादातर सुना होगा जब फेशियल का रिजल्ट नहीं आता तो रीज़न यही होता कि फेशियल स्टेप सही से फॉलो नहीं किए गए होते, एंड इसके अलावा अगर आपको रिलैक्सेशन सही से नहीं दी जाएगी तो फिर फेशियल का रिजल्ट किस तरह आएगा। बैक मसाज किस तरह से करना है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, एंड इसके अलावा शोल्डर पे भी आप इस तरह से प्रेस करके मसाज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फेस पे देख सकते हैं इस तरह से आपको थोड़ा सा एक हैंड को इस तरह कटोरी फॉर्म पे बनाना होता है और दूसरी हैंड से आप इस तरह से फिंगर से ऊपर की तरफ प्रेशर देते हैं, यानी कि स्लोली स्लोली आपको मसाज देना होता है। आप जब भी फेशियल मसाज करें तो आपका जो हाथ है बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए। अगर आप फास्टली चलाते भी हैं तो आपका प्रेशर लाइट होना चाहिए फेस पर, क्योंकि अगर आपका प्रेशर फेस पे फास्ट होता है तो हीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट निकलेगी, उसकी वजह से आपके फेस पे एक्ने का इशू हो सकता है। अगर आप अपना हाथ फास्ट चलाते हैं और आपका जो प्रेशर है लाइट है तो फिर एक्ने का इशू नहीं होता। मसाज क्रीम लगाने के बाद आप 5-7 मिनट मसाज दें, उसके बाद फिर आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें या स्पंज की हेल्प से रिमूव कर लें, एंड उसके बाद स्किन पॉलिशर यूज़ करेंगे। ये जो स्किन पॉलिशर है ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी स्किन पे डस्ट वगैरह है उसकी लेयर को ये बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। ये जो स्किन पॉलिशर है काफ़ी इफेक्टिव होता है, एंड इसके ट्यूब का साइज़ आप देख सकते हैं 200 ml, यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। पॉलर यूज़ के लिए भी काफ़ी बेस्ट है, अगर आप घर पे इसको रख के यूज़ करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। एंड इसके अलावा ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो उसको भी ये लाइट अप करता है। सो स्किन पॉलिशर जब फेस पे लगाते हैं आप इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं, यानी 3-4 मिनट फेस पे लगाएं, उसके बाद मसाज करें। आप मसाज स्टेप्स को उसी तरह से फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से करना है, यानी कि जिस तरह से स्टार्ट में मैंने वीडियो में बताया उसी तरह से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और आप देखेंगे इस तरह से स्टेप्स जब फॉलो करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है आपके फेस पर। स्किन पॉलिशर को फेस पे लगाने के बाद आप 5 मिनट मसाज देंगे, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें या स्पंज की हेल्प से रिमूव कर लें। एंड फेशियल का जो लास्ट स्टेप है मास्क का है, तो मास्क इसमें 2 टाइप के आप देख सकते हैं, एक पील ऑफ मास्क है जो ब्लैक का है, चारकोल मास्क है, एंड इसके अलावा एक कुकम्बर मास्क है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसे फेशियल मास्क कहते हैं। सो जिसको पील ऑफ मास्क नहीं पसंद तो आप कुकम्बर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अलावा अगर आप पील ऑफ मास्क पसंद करते हैं तो आप पील ऑफ मास्क भी यूज़ करें। ये जो पील ऑफ मास्क है डर्माशाइन का, ये चारकोल मास्क है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप इसको नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी क्लींजिंग जब करें जब भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन पॉलिशर अगर अप्लाई करते हैं अपने फेस पे जब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है, वन टाइम में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। एंड इसके अलावा अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर्स हैं तो इससे रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ब्रांड के पील ऑफ मास्क होते हैं उससे फेशियल हेयर अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं। ऑलिव का जो पील ऑफ मास्क है वो काफ़ी डार्क होता है, एंड इसके अलावा इसका आप कलर देख सकते हैं ये थोड़ा सा लाइट होता है, फ्रेगनेंस भी नॉर्मल ही होती है। एंड एप्लीकेशन इस तरह से करेंगे, उसके बाद इसको ड्राई होने देंगे। ये जो पील ऑफ मास्क होता है 15-20 मिनट में ड्राई होता है। जब मास्क प्रॉपर ड्राई हो जाए तो फिर पील करेंगे, पील ऊपर की तरफ करेंगे और आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका रिजल्ट होता है डर्माशाइन का। आप फेशियल सेट अगर बाय करेंगे यूज़ करेंगे तो आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो व्यूअर ये किस तरह का फेशियल है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।